अवसर का लाभ उठाकर अपना मन फिराएं। कोरोना का कहर शीघ्र समाप्त होने वाला है, पर यदि हम अपना मन नहीं फिराते तो हमें और भी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा हमें वो ज्ञान देने वाला है जिसे समझकर हम पृथ्वी और अपने देश को आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। पिछली बार प्रकाशन नंबर 36 में हमारे द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रभु और स्वर्ग की आवाज़ सुनाई थी, पर पता नहीं कैसे अपलोड किए गए उस वीडियो की आवाज़ गायब हो चुकी है। हमने बहुत प्रयास किया पर उसी वीडियो की आवाज़ वापस नहीं आ सकी। दोस्तों, प्रभु महान है, उसकी आवाज़ कभी भी नहीं दब सकती। सो प्रकाशित वाक्य के इस पद में उसने पुनः उसी वीडियो से मिलता जुलता प्रकाशन मुझे दिया। प्रकाशित वाक्य की सभी शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। सो यह वीडियो हम सबों को उस वीडियो में दी गई शिक्षा से पुनः सतर्क करने वाला है, ताकि आने वाले विषम दिनों में हम प्रभु की आवाज़ सुन सकें। दोस्तों, वह वीडियो उन दिनों में हमारे इस चैनल का टॉप वीडियो था। आप सबों ने उस वीडियो में हमें बेहद प्रेम दिया था, हम हृदय से आप सबों का धन्यवाद करते हैं। सदैव अपना प्रेम हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आप सबों तक पहुँचता रहे। हमारे प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। वाक्य की पुस्तक में पहली आवाज़ प्रभु की आशीष के रूप में सुनाई दी, जहां विश्वासियों को धन्य कहा गया। फिर आत्मा की आवाज़ सुनाई दी, जहां अंतिम दिनों के दर्शन को लिखकर कलीसिया तक पहुंचने का आदेश दिया गया। प्रभु की आवाज़ गूंजी, विश्वासियों को प्रभु ने संतावना दी। स्वर्ग की आवाज़ सुनाई दी, सातों कलीसियाओं की जानकारी मिली। पवित्र आत्मा द्वारा बताया गया अंतिम दिनों में कलीसियाएं किस प्रकार प्रभावित होंगी। स्वर्ग से एक आवाज़ आई, प्रेरित योहन्ना को स्वर्ग में बुला लिया गया। अब योहन्ना जी द्वारा हमें स्वर्गीय स्तुति की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक निराशा भरी आवाज़ गूंजी, जो कि एक बलवान स्वर्गदूत की थी। उस निराशा भरी आवाज़ में योहन्ना जी डूबने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तब एक प्राचीन की आवाज़ गूंजी, इस आवाज़ ने योहन्ना जी को निराशा की वादियों से बाहर निकाला। अब उन्हें वध किया हुआ मेमना नजर आने लगा। जीवन की पुस्तक को उस वध किए हुए मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों से ले लिया। स्वर्ग में प्रभु की आराधना की ऊँची गूंज गूंजने लगी, ऐसी आराधना जो प्रत्येक विश्वासी करना चाहता है। उस स्वर्गीय आराधना में पवित्र आत्मा ने हमें इस पुस्तक के द्वारा सहभागी बनाया। प्रकाशन नंबर 36 में पवित्र आत्मा की आवाज़ ने हमें कोरोना और मनुष्य की वर्तमान हालात की जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर हमें प्रभु की आवाज़ सुनाई थी। संयोग से इस बार भी कोरोना ने हम मनुष्यों के हालात को प्रकट कर दिया है, बता दिया है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की करुणा ही जीवन दान दे सकती है। दोस्तों, इस पुस्तक के सहारे हम सभी स्वर्ग की आवाज़ सुनकर पाप करने से रुक सकते हैं, स्वयं का मन फिरा सकते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्वर्ग वेदी के करीब आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज हम आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उन सभी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं जो प्रभु इन अंतिम दिनों में हमें मन फिराव का संदेश दे रहे हैं, तो प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, उन सबों के कान खोल और प्रभु अपनी आवाज़ को सुनने और समझने की सामर्थ्य दे। तेरा धन्यवाद सुने, प्रार्थना सुने यीशु के नाम से मांग, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर मनुष्यों के लिए स्वर्ग की राह बनाई। अब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने वह स्वर्ग पहुँच चुका है। जीवन की पुस्तक पर लगी मुहर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह खोल सकते हैं, क्योंकि उसने खोलने का अधिकार उसने निर्दोष मेमना बनकर प्राप्त किया है। यह दर्शन इस बात का गवाह है, प्रभु अपने बलिदान का स्मरण एक बार फिर जगत को कराना चाहता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से प्रभु ने जीवन की पुस्तक लेकर उस पर लगी मुहरें खोलना प्रारंभ किया। पहली मुहर खुली, शेर मुख वाले प्राणी की आवाज़ गूंजी। परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार का आमंत्रण लेकर श्वेत घोड़ा श्वेत सवार निकला। दूसरी मुहर खुली, बछड़ा मुख वाले प्राणी की आवाज़ गूंजी। कार्यशीलता का आमंत्रण लेकर लाल घोड़ा लाल सवार आया। तीसरी मुहर खुलने वाली है, मनुष्य मुख वाले प्राणी की आवाज़ गूंजने वाली। अंधकार और पीड़ाओं में प्रभु का आमंत्रण लेकर काला घोड़ा और काला सवार आने वाला है। चौथी मुहर खुलेगी, उकाब मुख वाले प्राणी की आवाज़ गूंजेगी। भयंकर मारकाट मचेगी। तीसरा विश्व युद्ध लेकर पीला घोड़ा पीला सवार आएगा। पाँचवीं मुहर खुलते ही विश्वासियों की कराह भरी आवाज़ गूंजेगी। उनके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा।
छठवीं मुहर खुलते ही प्रकृति की आवाज़ गूंजेगी, प्रकोप आरंभ होगा। मनुष्य को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा, वे गुफाओं और चट्टानों की दरारों में छिपते फिरेंगे। इसके बाद पीड़ाएं उंडेलने वाले चारों स्वर्गदूत बादल में नजर आने लगेंगी। परमेश्वर के असीमित प्रेम का प्रकटीकरण उन दिनों उस स्वर्गदूत की आवाज़ में नजर आएगा, जो कुछ समय के लिए आकर पीड़ाओं के दौर को रोक देगा। परमेश्वर की छाप उनकी चुनी हुई प्रजा के माथे पर लगाई जाएगी। इसके बाद सभी जाति, कुल और भाषा के बोलने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा का आवाज़ गुंजायमान होगा। एक बार फिर विश्वासी प्रभु की महिमा स्तुति करके हर्षित हो जाएंगे। इस अध्याय में तुरहियों की आवाज़ भी सुनाई देने वाली है। इस बात का संकेत पवित्र आत्मा दे चुका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8:5। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। दोस्तों, यूहन्ना जी इस पद में बता रहे हैं, जो विशेष स्वर्गदूत पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास आया था, उसी स्वर्गदूत ने धूपदान में वेदी की आग भरकर पृथ्वी पर डाली। बादल का गर्जन, भीषण नाद, बिजली की चमक तथा भूकंप की आवाज़ों से सृष्टि पुनः कांपने लगी। आपको स्मरण होगा, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा ने आप सबों को प्रकाशन नंबर 72 में यह दृश्य दिखलाया था। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लोकारचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय के 25 से 26 पद में स्पष्ट लिखा है, अंतिम दिनों में आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर भारी संकट होगा, लोग समुद्र की गरज और लहर से घबरा जाएंगे। 2019 से अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं, 2020 में भारी तूफान आया, इस वर्ष भी भारी तूफान आ रहे हैं। आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इन दिनों में ज़्यादातर तूफान समुद्री क्षेत्रों से ही आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम और भी ऐसे बल्कि इससे भी बड़े तूफानों को महसूस करने वाले हैं, क्योंकि इन पदों में लिखी हुई भविष्यवाणियों पूरी होती जा रही हैं। बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है जब मनुष्य समुद्र की गरज और लहर से भी घबरा जाएगा। खबरें सुनते ही उसका दिल बैठ जाएगा, पता नहीं अब क्या हो। मनुष्य भले ही अहम से भर कर अपना डर प्रकट न करे, पर घबराएगा और कांपेगा। जिसने प्रभु को अपना स्वामी, अपना मालिक स्वीकार कर लिया है, उसके लिए मृत्यु अनंत जीवन का द्वार है। वो आनंद से भरकर प्रभु का धन्यवाद करेगा, उसके द्वितीय आगमन का स्वागत धन्यवाद की प्रार्थनाओं के साथ करेगा। आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाते ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी के चित्र को पवित्र आत्मा हमें आगे के अध्यायनों में दिखाने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है, प्रभु हम मनुष्यों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह नहीं चाहता कि किसी का भी विनाश हो, कोई भी नरक की भारी वेदना का वारिस बने। नरक का निर्माण उसने शैतान और उसके दूतों के लिए किया है, पर हम मनुष्य शैतान के भरम जाल में फंस कर नरक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु हमें बचाना चाहता है, स्वर्ग में स्थान देना चाहता है, इसलिए इन अंतिम दिनों में निरंतर आवाज़ दे रहा है, आमंत्रण भरा शब्द भेज रहा है, ताकि हम उस भारी वेदना का शिकार होने से बच जाएँ। जल प्रलय आने वाला था, उसने नूह के द्वारा लगातार प्रचार करवाया, पर किसी ने उसके आमंत्रण के शब्द पर ध्यान नहीं दिया। लोग नूह का मजाक बनाते रहे, समय पूरा हुआ, जल प्रलय आया, नूह की जहाज आज भी रखी है जो दर्शा रही है। जल प्रलय से बचने के लिए बाद में मनुष्यों ने कितना प्रयास किया, पर समय बीत चुका था, उन सबों का विनाश भीषण जल प्रलय में हो गया। आज भी उस काल के लोगों के नाखून के निशान उस जहाज में नजर आते हैं। नूह और उसके परिवार के अलावा कोई भी नहीं बच पाया था, सभी थलचरों और नपचरों का सर्वनाश हो गया था। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखे। यह पद लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 28 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को हम बाइबल से पढ़े। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।